लगता है तू बहुत दुखी है अपनी बीवी से। नहीं रे, मेरी बीवी तो बहुत अच्छी है, मेरा हर हुक्म मानती है। रात को 3 बजे बोलूं चल गर्म पानी ला, लाके देती है मुझे। नहाने के लिए बर्तन धोना पड़ता है ना मुझे। कहना मत किसी से, तेरी बीवी को इंग्लिश आती है? नहीं यार, मेरी बीवी तो गाँव की है। अच्छा गाँव की है, मुझे लगा तेरी बीवी है। हट, तेरे से तो बात करना ही बेकार है। हाँ गोस्वामी, खालिद बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच से। हाँ वालेकुम सलाम। अरे सुन यार, यार तेरे पेपर में अपनी फोटो वोटो छपा ना यार। हाँ नहीं मैं क्या करता हूँ, अगली बार नायक साहब एनकाउंटर करते हैं ना तो एक डेड बॉडी पकड़ के उस पे पैर डाल के फोटो खिंचवा लेता हूँ। हाँ डालना यार तेरे पेपर में यार। हाँ दूंगा ना, 5,000 रुपये दूंगा। हाँ यार अपने को भी प्रमोशन मिले ना, ये साला इधर हेड कांस्टेबल बन के कब से लटक गया हूँ। ठीक है ओके, खुदा हाफिज भाई। क्या कंप्लेंट है भाई बोल। साहब मेरी बीवी भाग गई साहब। क्या बात करता है, अरे वाह, ऐसा क्या किया यार, जरा हमको भी तो सिखा। अबे ये क्राइम ब्रांच है, इधर ऐसी कंप्लेंट नहीं लिखाने की। ओ गली के नाके पीपल का पेड़ है ना, वहां पे 16 नंबर का बीट है, उधर जाके शिंदे को लिखा। शिंदे? हाँ वो बीवी पकड़ने में एक्सपर्ट है, उसकी खुद की बीवी 5 बार भाग गई थी ना। क्या बात कर रहा है। जा और सुन सुन सुन, उसको बराबर लिखा ना, तेरी बीवी काली थी, गोरी थी, मोटी थी, पतली थी, मेल थी, फीमेल थी। मेल? अबे जाना पानी कम जाना है। ए नामदेव। हाँ खालिद भाई। तेरी जेब खाली है क्या? क्यों? मेरे को पान थूकने का है। क्या मजाक करता है खालिद भाई, आपको पता है कल पेपर में आया था क्या, इतना पान खाने से मुंह का कैंसर होता है। क्या बात करता है यार। हाँ तो तौबा तौबा तौबा, कल से बंद। पान बंद? अरे नहीं रे, पेपर बंद पगले। ये पान वान छोड़ो और कल से दूध भी पिया करो। अरे तुझे पता है यार, कल मेरे मोहल्ले में एक आदमी दूध पीते पीते मर गया। वो कैसे? अरे मजे से दूध पी रहा था, अचानक उस पे भैंस बैठ गई। क्या खालिद भाई आप भी। हेलो। यस सर, अभी मैं अप्पा साहब को बताता हूँ। ओके सर। साला मेरे आदमी पर उस तरह मारता तुम लोग। मंगेश कहाँ? नहीं मालूम मेरे को। मंगेश कहाँ है? बोलो ना, तेरे को नहीं जानता मैं। ए साहब हाथ नहीं लगाने का, अपन भी कानून जानता है। एकदम आगे कंडा पट्ट पाते हुए मैं गुंडे पर उड़ाओ। क्या बोला सर? कुछ नहीं, डर गया मैं, डर गया साला। और एक भाई कानून जानता है। मैं क्या बोलता हूँ साहब, आप भी कानून के हिसाब से ही चलो ना। वैसे ही चलो। एकदम उठ मैं चले। उठ खालिद, ये सर्विस रिवॉल्वर तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन इसका सर्विस बहुत कमाल का है सर। एक गोली मारो 2 मर जाते, और तीसरा खौफ खा के मर जाते। बस क्लास। तो फिर खाले तुमने क्या देखा? सर मैंने देखा मिलोर्ड कि आप उससे सवाल पूछ रहे थे तो ये आपसे बदतमीजी कर रहा था। फिर आपने कहा कि पावले भाई तमीज से बात करो, मैं भी इंसान हूँ। फिर तो इसने कहा तू इंसान थोड़ी है, तू तो पुलिस वाला है। फिर आपने फाइनल वार्निंग दी तो एक घोड़ा निकल के आगे बढ़ा। फिर आपने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई और पावले अपनी गलती से मारा गया, जैसे और लोग मारे गए। सब कानूनी तौर पे हुआ ना? बिल्कुल सर, कोई शक ही नहीं है। तो फिर इसके लाश का पोस्टमार्टम के लिए भेजने का बंदोबस्त करो। यस सर। क्या माई तुन्नी, तो क्या हमेशा मुंह खोलने से पहले पेशाब करता है? ये पुलिस स्टेशन है, तेरे ससुर का घर नहीं, इधर उधर मुंह तेरा पहुंचेगा कौन रे? पता मंगेश, लक्षद्वीप बार में मिलेगा साहब। खालिद जी, नाइट पेट्रोलिंग पे कौन है? विक्रम साहब। सर विक्रम साहब मंगेश उसरा को पकड़ के लाए। आ गया अप्पा, जा अपना हाथ साफ। मंगेश भाई, भाई साला साला चिल्लाता उसका मारता, साला पुलिस वाले पे उसका मारता। भाई है तू, भाई है तू, मुंबई में एक ही भाई है पुलिस वाला, समझा ना? बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई, समझा ना?
मेरा आदमी बाबा से मारता है। ये है सार्वजनिक धुलाई। खाकी धोबी का अप्पा के आदमी को मारता है, अप्पा के आदमी को मारता है। मार बाबू को, मार के देख बाबू सोच, मार के देख साला। बहुत पहले मैंने सीखा था कि किसी भी जगह ड्यूटी ज्वाइन करो तो एक दिन पहले ज्वाइन करो, असलियत बाहर आ जाती है। क्या नाम बताया तुमने अपना? अपना नाम बता। मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या नाम है तेरा? खालिद। क्या खालिद? पान बार तो क्या, चलो हो गया, अंदर ही थूक दिया। देखिए, आज यहां का चार्ज लेने के साथ मैं आप लोगों को यह समझा दूं कि इस वर्दी के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी मौजूद है। एंड आई हेट पीपल हु आर इररिस्पॉन्सिबल। ये लोग भले ही क्रिमिनल्स हैं पर इंसान हैं, इनके भी कुछ हक हैं। कुछ जोक याद आया तुम्हें? बताओ बताओ, कम ऑन टेल मी, शेयर विद मी, आई वांट टू लाफ। जोक ही तो है सर, जिन्हें आप इंसान कहते हैं वो पठान के शूटर्स हैं। उनके लिए तो किसी की जान लेना खाना खाने के बराबर है। ऐसे हरामियों के तो हाथ पांव काट कर ट्रैफिक सिग्नल पर बता देना चाहिए। शट अप, जस्ट शट अप। और तुम इन लोगों को समझाने की बजाय तुम आराम से बैठ के वहां चने खा रहे थे। छोटे मोटे गुंडों को मारने का मतलब क्या है? अगर पहलवानी दिखाने का इतना ही शौक है तो इनके बाप दादा को पकड़ के दिखाओ। देखिए, आप इन भाई लोगों को नहीं जानते, इनकी पहुंच कानून से बहुत ऊंची है। इंस्पेक्टर सिंह, शायद हम लोगों ने कानून की अलग अलग किताबें पढ़ी, क्योंकि मेरी समझ में यही आता है कि कानून की पहुंच सबसे ऊंची होती है। यू मे ऑल गो नाउ। सर, सुनो, वो क्या नाम है उसका, दादा लोगों की फाइल मेरे पास लेके आइए। क्या बोलते हैं तुम्हारे मुंबई भाषा में? भाई लोग। चाहिए उनका चिट्ठा मेरे पास लेके आइए। चाहिए? यस सर। अंडे बेच और कुड़ी बातें पकड़। ये बहुत तकलीफ होने वाला है सर। बोलते हैं पान थूक के आओ, पान थूक के आओ। अरे 15 रुपए का पान है, वो भी फुकट में, वो थूकने की चीज है? कच्ची मिट्टी का घड़ा है, देखते हैं कितनी बरसातें झेल पाता है। फिर पान खा रहा है, चला चाय पीते हैं। अरे यार, ये मंत्री साहब कब के बैठे हैं? बालिया साहब पता नहीं कब आएंगे। तू इतना टेंशन क्यों है? कल को मेरी साली की सालगिरह है। क्या मतलब? मेरी शादी की सालगिरह है तो समझ में नहीं आ रहा बीबी को क्या गिफ्ट दूं जिससे वो खुश हो जाए। तू एक काम कर, तलाक दे दे, बहुत खुश हो जाएगी। है? लगता है तू बहुत दुखी है अपनी बीबी से। नहीं रे, मेरी बीबी तो बहुत अच्छी है, मेरा हर हुक्म मानती है। रात को 3 बजे बोलूं चल गर्म पानी ला, लाके देती है मुझे नहाने के लिए। बर्तन धोना पड़ता है ना मुझे। ए, कहना मत किसी से, तेरी बीबी को इंग्लिश आती है? नहीं यार, मेरी बीबी तो गांव की है। अच्छा, गांव की है, मुझे लगा तेरी बीबी है। हट, तेरे से तो बात करना ही बेकार है। लो बालिया साहब आ गए। आइए सर, आइए आइए। वो तो अच्छा हुआ केलकर ने हमें बता दिया, अगर हीराचंद उनके हाथ में आ जाते तो हम सब मुसीबत में पड़ जाते। थैंक यू। मुसीबत तो ठीक है पर वो क्या कहूँ, आपकी गर्लफ्रेंड रोशनी जी पुलिस वालों पर आजकल कुछ ज्यादा ही रोशनी डाल रही हैं। आज शमशान घाट पर भी दिखाई दी। कौन किसको क्या बता रहा है क्या पता, पर राव साहब अगर इस बात पर गौर नहीं किया गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, हमारी सरकार गिरने की भी नौबत आ सकती है।